नमस्कार, ग्रेटिव उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। धर्मगुरु कालीचरण एक बार फिर सुर्खियों में है। अलीगढ़ के संत समागम में उन्होंने एक बार फिर विवादित बोल बोलते हुए समाज को बांटने वाला बयान दिया है। कालीचरण ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और धर्म के आधार पर वोट करना चाहिए। अलीगढ़ के अचलताल स्थित रामलीला मैदान में रविवार को संत समागम सम्मेलन में ये विवादित बोल धर्मगुरु कालीचरण ने कहे। वहीं उन्होंने ये तक बोल दिया कि भारत में केवल सनातन धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। और उन्होंने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म है ही नहीं, देश को इस्लाम की ओर ले जाया जा रहा है। देश में 500,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया और 800 साल में 80,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ। अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ऐसा फिर होगा। राजनीति से घृणा करना छोड़ दो, राजनीति से ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना संभव है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई देश अपने हाथ से चले गए और मुस्लिम राष्ट्र बन गए। यही नहीं, कालीचरण ने अलीगढ़ में कई ऐसी बातें भी कही जो घोर आपत्तिजनक रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।